जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप सभी को बता दें कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने पर तिलमिलाया पाकिस्तान, तो भारत बोला पहले अपना हाल देख लो। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ पुलिस के डर से हुआ संबित पत्रा को कोरोना, सोशल मीडिया पर बही भीष्म की बाढ़। तो वहीं पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन विवाद को लेकर अच्छे मूड में नहीं है पीएम मोदी। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताएंगे। दोस्तों अगर आप भी भारत में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा कर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिससे भारत में गरीब जनता की दबी हुई आवाज को हम सरकार तक जरूर पहुंचा सकें। तो चलिए जान लेते हैं सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। अर्नब गोस्वामी अब इस टीवी डिबेट को लेकर हुए ट्रोल, तो भारत पाकिस्तान से जुड़ा है मामला। यूजर बोले टिड्डी की फौज से तो न्यूज चैनल पर हैं। तो वहीं पर पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले इस प्रधानमंत्री के आए बुरे दिन। तो वहीं पर टिड्डी दलों के हमले को लेकर विशेषज्ञों ने कहा जल्द खत्म नहीं होगा प्रकोप, ये है वजह। जानेंगे इसकी पूरी खबर विस्तार से। पर्यावरण विशेषज्ञों का दावा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बने टिड्डी दल दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न स्थितियों का नतीजा है। साथ ही उन्होंने इन कीटों का प्रकोप जुलाई की शुरुआत तक बरकरार रहने की आशंका जाहिर की है। तो वहीं पर वाराणसी में हुआ बड़ा हादसा, टिकटॉक वीडियो बनाते 5 किशोरों की गंगा में डूबने से मौत। तो वहीं पर मोदी शाह ने की लॉकडाउन पे चर्चा, 31 मई के बाद होंगे ये बड़े बदलाव, जानेंगे पूरी जानकारी को विस्तार से। तो वहीं पर गोपालगंज हत्या मामले पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा नीतीश कुमार भी हत्यारे हैं इसलिए वो डॉन बने हुए हैं। तो वहीं पर भारत की कामयाबी के आगे झुकेगी दुनिया, कोरोना की वैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबर। तो जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम का विरोध करने वाले संबित पत्रा को हुआ कोरोना वायरस। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो में इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी मिली हो इस वीडियो से तो जरूर लाइक करिएगा। अगर आप भी भारत में गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही ताजी खबरें हम आपके मोबाइल फोन तक पहुँचाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।